जय मातारा सरकारी ठेकेदार यूनियन ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर एक बैठक आयोजित की। ठेकेदार यूनियन का कहना है कि वे सरकार से मांग करते हैं कि सीएनडी ठेकेदारों को जीएसटी और ईपीएफ में छूट दी जाए, क्योंकि उनके पास नियमित लेबर नहीं रहती है। वहीं ठेकेदारों को उनकी देय राशि का भुगतान भी समय पर किया जाए। जीएसटी और ईपीएफ जो हमारा मेन है, और एक जो अभी गवर्नमेंट ने वो एक कैबिनेट में पास हुआ है कि जो सरिया सीमेंट जो है वो ठेकेदार अपना खरीदे, तो उसमें भी हमारा ऑब्जेक्शन है कि चलो खरीदेंगे हम तो खरीद लेंगे, पर ये सरकार हमको ये श्योर करे कि हमारी पेमेंट जो है कितने दिनों बाद डिपार्टमेंट से मिलेगी, या तो इनकी जो है इनका जो डिपार्टमेंट का जो है सहयोग हमें इस बारे में मिलना चाहिए कि टाइमली हमारी पेमेंट हो। जीएसटी की बात करें, आप जीएसटी में क्या कहना है आपका? जीएसटी में हमारा ये जो हम सी और डी क्लास के ठेकेदार हैं, वो हमारा परमानेंट वर्क हमारे पास नहीं होता और ना ही परमानेंट लेबर होती है, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि जो सी और डी क्लास के लिए जो हमारे जो ठेकेदार हैं उस कैटेगरी के, उनको इससे छूट दी जाए। पर ईपीएफ के लिए भी परमानेंट लेबर हमारे पास नहीं है, और जो ईपीएफ लेबर पे भी हम पे जो जीएसटी लिया जा रहा है, शायद ये पहला स्टेट है मुझे ऐसा लगा जो मेरे जहन में आया है कि लेबर पे कहीं भी जीएसटी नहीं लेते हैं, लेकिन हम पे कर रहे हैं ठेकेदार लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।